वेलकम वेलकम और बैक टू माय चैनल ओमकारेश्वर टेंपल क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि अगर आपको ओमकारेश्वर से रिलेटेड या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर देने की मुझे बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों की रिसीव हुई जिससे मुझे लगा कि मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ एक ही जगह पे मिल जाए तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जो महादेव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जिसका दर्शन अभी अभी मैं करके आई हूँ तो हम बात करेंगे कि कैसे पहुंच सकते हैं so basically, वीडियो के, को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी वो तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से होगी मेरी रिसर्च के हिसाब से होगी सिंस वहां पे चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है तो वहां की व्यवस्था टाइम टू तो टाइम बदलती रहती है तो अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट हाँ अगर चेंजेस नहीं हुए तो आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम आएगी क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको रूट से लेके कहा रहना है कैसे दर्शन करना है सब कुछ बताने वाली हो इस वीडियो में सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आप लोगों के जब मैंने आप लोगों से सवाल पूछे थे तो मैं एक एक करके उनका ही आंसर दूंगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसी क्वेश्चन आंसर्स में पता चल जाएगी सो so सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आकाश ने वो पूछते हैं कि ओंकारेश्वर टेम्पल एक्सैक्टली है कहाँ सो so, अगर मैं बात करूँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तो वो नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है मान धातु द्वीप पर बसा हुआ है मान धातु उस द्वीप का नाम है कहा जाता है कि वो जो द्वीप है वो ओम के आकार में है इसी वजह से उस जगह को ओंकारेश्वर बोला जाता है ये खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है जो कि उज्जैन से और इंदौर से बहुत ही पास है सेकेंड क्वेश्चन है राधिका का वो तो पूछते हैं कि ओंकारेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं अगर मुझे महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर दोनों जगह जाना है तो मैं उसको कैसे कवर कर सकती हूँ सो बेसिकली राधिका अगर आपको महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों जगह जाना है तो आप उसको बहुत ईजिली कवर कर सकते हो आपको सिर्फ दो दिन का ट्रिप बनाना है उज्जैन का एंड एक आपको डेडिकेटेड दिन रखना पड़ेगा ओंकारेश्वर के लिए क्योंकि उज्जैन से ओंकारेश्वर अप्रोक्सीमेटली वन फोर्टी किलोमीटर है जहां पहुंचने में आपको साढ़े तीन से साढ़े चार घंटे लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक और दस क्या चूज करते हो अगर आप बस बस चूज करते हो तो शायद ज्यादा टाइम लगाएगी अगर आप पर्सनल टैक्सी से जाते हो तो शायद वो टैक्सी आपको थोड़ा जल्दी पहुंचा दे तो आप साढ़े तीन या साढ़े चार घंटों में बहुत ही आसानी से महाकाल से लाइक उज्जैन से ओंकारेश्वर बाय कैब या बाय बस पहुंच सकते हो तीसरा क्वेश्चन पूछा है विजय ने वो पूछते हैं कि ओंकारेश्वर टेम्पल से नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है सो बेसिकली विजय ओंकारेश्वर बहुत ही इंदौर के बहुत ही करीब है तो अगर आपको बाय फ्लाइट आना है तो आप इंदौर के एयरपोर्ट पे उतर सकते हो और वहां से फिर ओंकारेश्वर की डायरेक्ट बस भी जाती है टैक्सी भी जाती है तो आप कोई भी कन्वेंस चूज करके ओंकारेश्वर तक पहुंच सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति का ज्योति पूछती हैं कि ओंकारेश्वर में और कौन कौन सी जगह है घूमने की So, ज्योति ओंकारेश्वर एक छोटा सा द्वीप है वो बहुत ज्यादा बड़ा सिटी नहीं है कि बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो बट मैं कहूंगी कि जब अगर आप उज्जैन से ओंकारेश्वर तक आते हो तो आपको रास्ते में एक शनि नवरा मंदिर मिलता है जहां आप रुक कर आ, उ, उस मंदिर को विजिट कर सकते हो क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा नवरा मंदिर है और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मेन ओंकारेश्वर की तो ओंकारेश्वर मेन टेम्पल है इसके अलावा आपको ममलेश्वर महादेव का भी दर्शन करना है जो कि बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमारा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जब तक आप ये दोनों का दर्शन नहीं करोगे तब तक आपका दर्शन पूरा नहीं माना जाता है तो इसलिए आप ममलेश्वर महादेव कवर जरूर करना उसके साथ साथ आप नर्मदा नदी में बोटिंग कर सकते हो वहां कुछ चार से पांच स्पॉट हैं जो आपको बोटिंग के दौरान दिखाए जाएंगे और बड़ी आसानी से आपको बोटिंग की सर्विस या शेयरिंग में या रिजर्व बोट से मिल सकती है और अगर आप चाहो तो ओमकारेश्वर टेम्पल के पास एक परिक्रमा होती है जो कि काफी लंबी है अगर आपके पास टाइम है पूरे दिन का तो आप वो परिक्रमा भी कर सकते हो क्या ओंकारेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन करने की फैसिलिटी के बारे में कुछ बताइए तो बेसिकली uh, जब मैं ओंकारेश्वर मंदिर गई थी तो मैंने सोचा था कि मैं शीघ्र दर्शन का कुछ ट्राई करूंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और बहुत कम टाइम में ही हमें सब कुछ कवर करना था तो मैंने सोचा तो यही था बट उस टाइम मैंने देखा कि शीघ्र दर्शन के पास नहीं मिल रहे थे और वो जहाँ पे काउंटर बता रहे थे वो ऑलरेडी ऊपर सीढ़ियां चढ़कर बता रहे थे जो कि ऑलरेडी आपको उसके लिए लाइन लगानी पड़ती तो हमने डिसाइड किया कि हम शीघ्र दर्शन के थ्रू ना जाके बल्कि नॉर्मल लाइन से जाएंगे तो हम नॉर्मली दर्शन करने गए थे हमने शीघ्र दर्शन का नहीं लिया था लेकिन अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं जो मैंने रिसर्च की थी उसमें मुझे ये पता चला था कि 250 का पास लेकर आप अगर जल्दी से दर्शन करना चाहते हो तो किसी भी वहां पे मंदिर प्रांगण में ही आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको क्विकली दर्शन करा देंगे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा तो फैसिलिटी तो है लेकिन वो टाइम टू टाइम बंद भी हो सकती है और कभी कभी चालू भी रहती है क्योंकि हमारे टाइम तो हमने तीन चार पंडितों से पूछा बट उन्होंने कहा कि अभी शीघ्र दर्शन बंद है शाम का टाइम था और उस दिन शायद कोई त्योहार था शायद इस वजह से हमें शीघ्र दर्शन वाली फैसिलिटी नहीं मिली क्वेश्चन है राजेश का उनका क्वेश्चन है कि क्या आप गर्भगृह में कैमरा या मोबाइल फोन ले जा सकते हो सो so राजेश बेसिकली आप मंदिर प्रांगण में कहीं का भी फोटो शूट वीडियो शूट कर सकते हो लेकिन गर्भगृह में कैमरा या फोन आ, सब कुछ मना है आप वहां पे शूट नहीं कर सकते और वैसे भी अगर आप भीड़ में जाओगे तो आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता है आई वुड से कि आप पूरा ध्यान लगाना भोलेनाथ <laughs> का दर्शन करने में क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप वहां पे शूटिंग करो अच्छे से तो वैसे उनकी पॉलिसी के हिसाब से भी वो नहीं अलाउ करते तो हाँ आप मोबाइल नहीं ले जा सकते अंदर मतलब ले तो जा सकते हो फोटोज नहीं क्लिक कर सकते उज्जैन से ओंकारेश्वर तक की जर्नी कैसे करें तो उज्जैन से ओंकारेश्वर मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि बहुत इजी है जैसा कि 140 किलोमीटर की दूरी है आप उज्जैन से कोई टैक्सी ले सकते हो या बाई बस आ सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट पड़े अगर आप टैक्सी लेते हो तो आपको वो साढ़े तीन से साढ़े चार घंटे में पहुंचा देगी जो मैंने आपको पीछे बताया है इस वीडियो में तो आप पीछे की वीडियो को रेफर कर सकते हो तो आप बड़ी आसानी से उज्जैन से ओंकारेश्वर पहुँच सकते हो अगर प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो उसका कितना खर्चा आता है उज्जैन से ओंकारेश्वर मंदिर तक का सो so, uh, जो मैंने uh, पूछा था कई लोगों से उज्जैन से ओंकारेश्वर मंदिर तक का uh, कई जगह पे मैंने पता किया कि कितना चार्ज लगेगा लग टैक्सी का तो उन्होंने मुझे हर जगह मोस्टली एक ही रेट चल रहा था वो था साढ़े तीन हजार तो ऑन एन एवरेज हमें जो अमाउंट uh, सामने आया वो साढ़े तीन हजार था उसमें आपको एक कैब लेकर भी जाएगी और लेकर भी आएगी और वो आपको मतलब आपका वेट भी करेगी तो वो आपको लेकर वापस आएगी तो इट्स नॉट अ बैड डील अगर आप तीन से ज्यादा जा, लोग जा रहे हो आप इजीली कोई कैब करके जा सकते हो वही बहुत कन्वीनियंट होगा थोड़ा सा रास्ता पहाड़ी है तो आप अगर अपने कन्वीन से जाते हो तो वो ज्यादा इजी है अगला क्वेश्चन है राहुल का वो पूछते हैं कि ओंकारेश्वर मंदिर में बेस्ट टाइम क्या है दर्शन करने के लिए सो so, बेसिकली राहुल हम पहुंचे थे शाम के टाइम तो हमें पहुँचते पहुंचते तीन बज चुके थे तो हम जब मंदिर में थे तो ऑलमोस्ट तीन से चार बजे का टाइम चल रहा था जब हम लाइन में लगे हुए थे ऐसा वहां पे लिखा था और मैंने लोगों से पूछा कि चार बजे के बाद आप मंदिर में कुछ चढ़ा नहीं सकते मंदिर में दर्शन कर सकते हो बट आप जल वगैरह नहीं चढ़ा सकते तो अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हो तो वुड से कि आप सुबह के टाइम आओ जब आपको जल चढ़ाने का मौका मिल सकता है लेकिन अगर आप शाम को आते हो तो शाम को आपको एक फूल तक वहाँ पे चढ़ाने को नहीं दिया जाता सब कुछ नंदी महाराज के पास ही आपका खाली कर दिया जाता है अगर आप फूल वगैरह ले जा रहे हो तो वो नंदी को ही चढ़ा देते हैं उसी एरिया में आपको वो जमा करना होता है आप गर्भगृह में नहीं ले जा सकते कुछ भी चार बजे के बाद आपने ओंकारेश्वर तक की जर्नी कैसे कवर करी है थोड़ा सा आप मुझे बजट का अंदाज़ा बता दीजिए सो so, uh, मैंने टैक्सी का रूट ही लिया था मैं बहुत सिंपल था हम जिस दिन उज्जैन पहुंचे थे हमने डिसाइड किया था कि वो पहला दिन हम ओंकारेश्वर को डेडिकेट करेंगे तो हम साढ़े सात बजे उज्जैन पहुंच गए थे सुबह सुबह हमने होटल वाले से कहकर अपनी कैब बुक करा ली थी जो हमें दस बजे मिल गई दस बजे हम चले ऑलमोस्ट पौने दस के करीब और हम वहाँ पर पहुंच चुके थे दो बजे के करीब दो बजे हम ओंकारेश्वर पहुंच गए थे और फिर वहाँ से हमने बोट ली शेयरिंग बोट ली ओमकारेश्वर टेंपल तक जाने के लिए शेयरिंग बोट विल कॉस्ट यू समवेयर बिटवीन 50 टू 150 समवेयर बिटवीन पर पर्सन डिपेंडिंग अपॉन द टाइम तो आप कोई भी शेयरिंग बोट लेकर ओमकारेश्वर मंदिर तक जा सकते हो बहुत ही पास में है बहुत बहुत थोड़े से टाइम में आप पहुंच जाओगे तो जैसे आप मंदिर जाते हो वहां पे आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होगा और खैर मंदिर बहुत ऊंचाई पे है तो आपको काफी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी लाइन भी लगाना पड़ेगा लाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है ऐसे किसी खास दिन अगर आप जाते हो नॉर्मल डेज का मुझे नहीं पता क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भीड़ मिली थी तो हम लाइन में लग थे और हमें फिर दो घंटे बाद दर्शन हुआ था तो जब आप ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंच जाते हो अगर आप शाम को पहुंचते हो तो ऑफ ऑफकोर्स आप कुछ चढ़ा नहीं सकते आपको वो जल्दी से दर्शन करा के फिर आपको वो निकाल देते हैं और फिर आप मंदिर परिसर घूम सकते हो चाहो तो आप बोटिंग का लुफ्त उठा सकते हो जहाँ पे आपको शेयरिंग बोर्ड भी मिल जाएगी रिजर्व बोर्ड भी मिल जाएगी और वो आपको कुछ अच्छी अच्छी जगह दिखा देंगे और उसके बाद आप जा सकते हो ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने हम लोग बाई ब्रिज गए थे ममलेश्वर महादेव का दर्शन करने वहां पे नर्मदा नदी पे जो ब्रिज बना हुआ था हम उसके थ्रू गए थे और वैसे काफी चलना पड़ा था तो आई वुड से कि अगर आप एग्जॉस्टेड हो या फिर आप थके हुए हो तो आप बोटिंग का ही सहारा ले लेना उससे ज्यादा इजीली आप ममलेश्वर महादेव पहुंच जाओगे तो वहां पहुंचने के बाद ममलेश्वर महादेव में हमने दर्शन किया था और उसके बाद हमने सेम डे में रिटर्निंग कर ली थी तो हमने बस इतना ही कंप्लीट किया था ओमकारेश्वर में और रास्ते में हमने शनि नवग्रह मंदिर भी कवर किया था जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर थी और ओंकारेश्वर मंदिर तक के ट्रिप में कितना खर्चा आ सकता है सो बेसिकली डिपेंड्स अगर आप उज्जैन से जाते हो तो उज्जैन से आपको साढ़े तीन हजार की एक कैब मिल जाएगी आप उसको स्प्लिट कर सकते हो नहीं तो आपको डेढ़ सौ या दो सौ तक की बस भी मिल जाएगी जो पर पर्सन आपको डेढ़ सौ दो सौ में आपको ओंकारेश्वर पहुंचा देगी तो आप अगर बजट फ्रेंडली होना चाहते हो तो आप बस का रूट ले सकते हो बस में सिर्फ एक ही दिक्कत आपको आएगी कि उनकी फिक्स टाइमिंग होती है तो आपको रिटर्निंग अपनी उसके हिसाब से प्लान करनी पड़ेगी तो अगर आप बस का रूट नहीं लेते हो तो आप कैब करोगे तो आपका इतना तो कैब में लग जाएगा जो कि आप स्प्लिट कर सकते हो अगर आप ग्रुप में जा रहे हो और उसके साथ साथ खाने पीने का वहां पे अरेंजमेंट है स्ट्रीट फूड्स वगैरह ही ज्यादातर देखने को मिले हम वहां पर खाना खाने के लिए नहीं रुके थे बट पास में बहुत सारे रेस्टोरेंट थे जहाँ पे आप खाना खा सकते हो जो कि शाम का टाइम था तो हमने सिर्फ स्नैक्स ही लिया था चाय और कुछ स्नैक्स खाए थे तो आसपास आपको बहुत कुछ मिल जाएगा खाने पीने का और उसमें भी ज्यादा खर्च आपका नहीं होगा अगर आप ओमकरेश्वर में स्टे करना चाहते हो तो मंदिर प्रांगण के पास ही आपको बहुत सारे होटेल्स मिल जाएंगे जिनका पर नाइट डिपेंडिंग अपॉन द सीजन चार्जेस होता है डेढ़ हजार से ढाई हजार के बीच में आप अपने होटल चूज कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग और वहां पे स्टे भी कर सकते हो और बोटिंग का मैंने आपको पीछे कवर करके बताई दिया है कि कितना वो चार्ज करते हैं अगर आपको साइड सीन के लिए जाना है और मंदिर में अगर आपको शीघ्र दर्शन करना है तभी आपका पास का पैसा लगेगा अदरवाइज कोई और पैसा नहीं लगेगा आप आराम से वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन कर सकते हो दिस इज द टोटल कॉस्ट व्हिच यू कैन एक्सपेंड ऑन ओमकारेश्वर तो जितने भी यूनिक क्वेश्चंस मुझे लगे मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको उन सबका आंसर देने की अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो मैं कमेंट में आपको पूरा आंसर दे दूंगी अगर मेरे मुझे इन्फॉर्मेशन होगी तो आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम पे भी पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन हैं सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी आपका नेक्स्ट ट्रिप प्लान okay. करने में ओंकारेश्वर का एंड uh, अगर काम आए तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके पास कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि जो लोग कॉमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन ग्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी अपडेटेड होते रहें और जिसका कॉमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगी ताकि और लोग भी उसको देख पाएं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आपको ये वीडियो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा तभी आपको फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी क्योंकि मैं अभी आने वाले दिनों में महाकालेश्वर का भी ऐसा ही एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं महाकालेश्वर की सारी कोई क्वेरी सॉल्व करूंगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे टून ऑन माई चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक प्लेस ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो वंस अगैन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय महाकाल